बज गए हैं, आप देख सकते हैं 9:09 हो रहे हैं और अपने टाइम 9:09 हो रहे हैं तो ये देखिए कार्ड की छपाई हो रही थी, तो ये देख सकते हैं, ये देखिए अभी हम लोगों ने ये कार्ड पूरा प्रिंट किया। और उसके बाद दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूँ अपनी जितनी भी मतलब 2005 के बाद से मैंने जब से पेंटिंग स्टार्ट करा है थोड़ा थोड़ा जो भी मतलब स्केचिंग से लेकर पेंटिंग से लेकर जो भी मतलब मेरे पास जो पेंटिंग बची हुई है वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। और आप लोग बने रहे वीडियो में हमारे साथ और मैं आपको इसमें मतलब अपने स्कूल टाइम से जब तक मतलब पूरा अपने मतलब पूरी पढ़ाई मैंने जितनी करी उसने जितनी भी पेंटिंग मैंने बनाई जैसे जैसे जो भी था वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो इसमें देखिए ये देखिए मैं इसमें अपनी जितनी पेंटिंग थी मिली लेके आया, सब ढूंढ उठ के इकट्ठा किया और उसके बाद कुछ पेंटिंग अभी रह गई हो तो उसको जो बड़ी पेंटिंग है या फिर वैसे भी मतलब बड़ी पेंटिंग ही है तो वो उसको अभी मैं रखा हुआ हूँ दुकान पे, उसको मैं लेके आऊँगा वो कल आ जाएगी तो उसको मैं आपको आगे वाले मतलब दिखाऊँगा। और दोस्तों ये देखिए आप देख सकते हैं ये देख रहे हैं ना आप, इसमें देखिए इसमें आप देखिए इसमें इसमें पेंटिंग है, ये हाफ सीट पे है अपने ए फोर सीट पे काटे सीट का ए फोर, इसमें आप देखिए इसमें ये देखिए अब मैंने इसे स्कूल से अपना ग्रेजुएशन पूरा किया था तो इसमें ये वही फाइल है जिसमें मैंने अपने ग्रेजुएशन पूरी की। तो उसके बाद ये इसमें पूरी पेंटिंग है, पेंटिंग मैं अभी आपको नहीं दिखाऊंगा, पेंटिंग में दिखाऊंगा आपको क्योंकि वो इसलिए नहीं दिखा सकता क्योंकि अभी इसको मैं थोड़ा सा सीरियल वाइज रखूँगा ताकि मुझे दिखाने में और आपको देखने में भी अच्छा लगे। तो अभी फ़िलहाल मेरे साथ में कोई है नहीं, अकेले हूँ तो इस वजह से मतलब वीडियो बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैं आपको पूरा दिखा भी नहीं पाऊँगा और कोई कैमरा चलाने के लिए मतलब फ़ोन चलाने के लिए भी शूट करने के लिए कोई है नहीं। एक फाइल ये है, इसमें भी आप देखिए इसमें भी पेंटिंग है, ये तो आप देख ही लिए इसमें जो पेंटिंग है। ये देखिए थैला आप देख सकते हैं, देखिए इस थैले में भी पेंटिंग भरी पड़ी है, जितना भी मतलब जहाँ जहाँ से मतलब ढूंढ के सब इकट्ठा इधर उधर हो गया तो ढूंढ के सब लेके आया हूँ अपना पूरी पेंटिंग आप देख सकते हैं इसमें रखी हुई है, ये भी मैं दिखाऊंगा आपको। उधर अभी आपको बताया मैंने देखिए स्क्रीन प्रिंटिंग का काम भी करता हूँ तो ये देखिए अभी सारे के सारे कार्ड जितने थे वो अभी सूखे नहीं है बराबर तरीके से तो इसकी वजह से छोड़ दिया, ये रात में सूख जाएंगे उसके बाद वो मतलब ये देख सकते हो जगह नहीं है क्योंकि जगह इसी पे हम लोग छापते हैं यही रख देते हैं तो इसकी वजह से मैंने ये इसी वीडियो बनाना था तो ये मैंने जगह खाली करी इसके बाद ये सब। और ये देखिए आप देख सकते हैं ये देखिए ये मेरा पूरा पेंसिल वर्क है स्केचिंग, ये जब से मतलब स्केचिंग के बारे में उससे जाना। और सबसे बड़ी चीज़ की दोस्तों मैंने स्केचिंग बहुत ही कम मतलब नाक के बराबर आप समझ सकते हो कि आपको नाक बराबर कह सकते हो जो होता कि मतलब ना मैंने स्केचिंग बिल्कुल ही नहीं कभी करी मतलब
ज़्यादातर मैंने डायरेक्ट मतलब बस हल्की सी स्केच करी, मुझे समझ में आ गया हाँ इतने बन जाए, उसके बाद मैंने कलर करना शुरू कर दिया, कलर भर दिया जो भी चीज़ वो चीज़ मैंने कर, क्योंकि वो पेंसिल से जो स्केचिंग करते हैं ना वो चीज़ मैंने नहीं करा कि मतलब मेरी स्टडी जो होती पेंसिल से पूरे, मतलब जो लोग अच्छे आर्टिस्ट होते हैं जो आगे मतलब हाई लेवल के या फिर जो भी चीज़ें जो BFA MFA करते हैं वो लोग पेंसिल से स्टडी करते हैं, तो वो उसका अलग ही मतलब वो काम होता है। लेकिन वो चीज़ मैंने, क्योंकि मैं पेंटर का काम करता हूँ, लेटर राइटिंग हो गया, बोर्ड बैनर फ्लैक्स जो भी चीज़ है, शादी कार्ड, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, तो वो चीज़ मैंने स्टार्टिंग से ही मैंने लेटर राइटिंग का काम किया, तो इसकी वजह से पेंटिंग के बारे में मुझे नॉलेज नहीं थी। जब से नॉलेज हुई फिर उसके बाद स्केचिंग बहुत कम करने को हुआ, लेकिन फिर भी मैंने ये, आप देख सकते हो इसमें कितनी स्केचिंग मैंने बना रखी, मतलब स्केच कर रखी है। ये सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा अपने वीडियो में। और ये तो गई स्केचिंग के, ये देखिए अब बांध के रखो, क्योंकि ये बांध के रखी हुई तो इसमें आप देख जान आपको मिलेगी, मतलब फुल सीट पे भी मिलेगी और हाफ सीट पे, फुल और हाफ दोनों सीट पे मिलेगी इसमें। तो ये मैंने बांध रखा है, तो अभी फ़िलहाल मैं अकेले हूँ इसकी वजह से थोड़ा सा वो प्रॉब्लम है। इसको मैं आपको अपने मतलब अगले वीडियो में दिखाऊंगा। और दोस्तों एक चीज़ आप ये भी जान लें, और एक सेकेंड ये देखिए, ये इसमें भी मेरी पेंटिंग है, इसमें भी मैं दिखाऊंगा आपको। और ये देखिए ये सब पेंटिंग है, ये पेंटिंग अभी आपको दिखाई दिया, तो इसको भी मतलब मैं इसमें हाफ और फुल दोनों सीट है बताया अभी मैंने आपको, तो इसको मैं दिखाऊंगा आपको। स्केचिंग हो गया, स्केचिंग देखिए अब स्केचिंग रहेगी, उसके बाद ये पेंटिंग बताई दिया मैंने। तो दोस्तों इसमें आपको लगभग मैं कई पार्ट में ये पूरी पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी मेरी, तो क्योंकि इसके सबसे पहले तो स्केचिंग मिलेगी आपको, स्केचिंग अलग हो गई, उसके बाद मतलब स्केचिंग ये वाली चीज़ें मेरे फर्स्ट पार्ट में आपको ये स्केचिंग मेरी देखने को मिलेगी इसमें से मैं आप, क्योंकि पेंटिंग इतनी है मतलब पेंटिंग तो मतलब मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ज़्यादा भी है, तो इसमें से सबसे पहले तो मैं सेलेक्ट करूँगा, क्योंकि इसमें से जो अभी आपको मैंने दिखाया इसमें से ये थैला वाला हो गया, ये हो गई, ये फाइल्स है, ये है, आप देख सकते हो तो इसमें कितनी पेंटिंग भरी है, तो इन सारी जितनी भी पेंटिंग है इसमें से मैं सेलेक्ट करूँगा, कुछ इस तरीके से सेलेक्ट करूँगा, जैसे आप मतलब ईयर वाइज, जैसे मतलब मैं स्टार्टिंग से जैसे मैंने कैसे वर्क किया उसके हिसाब से धीरे 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 जैसे जितना वर्क मेरा मतलब आगे बढ़ता गया, जैसे बढ़ते उस तरीके से मैं पूरा करूँगा मतलब दिखाऊँगा आपको। दोस्तों आपको मिलेगी मतलब इसमें आपको स्केचिंग, सबसे पहले तो मेरी ये स्केचिंग मिलेगी देखने को पहले पार्ट में, उसके बाद मैं आपको A4 शीट का जो है मतलब ये वाली चीज़ें मैं आपको इसमें जितनी भी पेंटिंग है वो मतलब दिखाऊंगा, उसके बाद वो खड़ी करी है मैंने पेंटिंग जो वो फुल साइज़ पे है उसमें भी दिखाऊंगा, फुल साइज़ है, हाफ साइज़ है, तो वो उन दोनों को मैं दिखाऊंगा और सबका अलग अलग पार्ट बनेगा। दोस्तों अब ये चीज़ मतलब ये मेरी पेंटिंग की जो सीरीज अब कर सकते हो, तो ये थोड़ी लंबी होएगी क्योंकि पेंटिंग मेरे हिसाब से ज़्यादा है, आप देख सकते हो पेंटिंग ज़्यादा, क्योंकि ये मतलब इसमें कई बार बनाऊंगा जिसमें आपको देखने की सारी चीज़ें मिलेंगी, आप देखते हैं कितने मतलब कितने भाग में क्लियर होता है, और इसको मैं ईयर बाई ईयर जैसे जैसे मेरे काम का मतलब आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे वर्क आगे थोड़ा मतलब लो से हाई तक पहुंचा वो चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। दोस्तों आज के वीडियो में अभी आप देख सकते हैं ये देखिए इसमें
50-60 पेंटिंग से ज़्यादा तो ये इसमें है। ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, इसमें फुल साइज और हाफ साइज दोनों हैं, इसको मैं दिखाऊंगा। और अभी तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही रहेगा दोस्तों। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपको अगर मेरी पेंटिंग और देखनी हो तो, पेंटिंग आपको देखनी है तो आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि अभी इसके बाद मेरा मतलब वो शुरू हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट में मैं ये तो मैं आपको, मुझे लगता है मैं आपको लास्ट में दिखाऊं, क्योंकि इसमें कलर वर्क, पेंसिल वर्क, पेन वर्क सब है और ऑयल कलर में भी है। ऑयल कलर, पेंसिल वर्क, पेन वर्क, वाटर कलर, पेस्टल कलर, मतलब कई तरीके की पेंटिंग आपको देखने को मिलेगी। तो इसको मैं आपको दिखाऊंगा मुझे लगता है सबसे लास्ट में, क्योंकि ये फुल साइज में है। मैं नीचे से स्टार्ट करूंगा, सबसे नीचे से। आपको, आप लोग अगर देखना चाहते हो मेरी पेंटिंग तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि इसमें सबसे पहले मैं आपको यही स्केचिंग दिखाऊंगा मेरे पहले पार्ट की, मतलब पहले पार्ट में आपको यही स्केचिंग देखने को मिलेगी दोस्तों। अगर आप लोग मेरी पेंटिंग देखना चाहते हैं, इच्छुक हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें और मैं आपको कोशिश करूँगा दिखाने की। ये सारी देखिए मेरी ढेर सारी पेंटिंग, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा पहले, क्योंकि कोई है नहीं तो मुझे वीडियो बनाने में दिक्कत हो रही है, क्योंकि कैमरा चलाऊँ या फिर ये आपको दिखाऊँ तो इसकी वजह से दिक्कत हो रही है। तो आपको मैं अभी ये चीज़ हो जाएगी, फिर मैं इसको मतलब बताया ना आपको कि मतलब इसको अच्छे से वो सीरियल वाइज लगा के फिर मैं उसको आपको पहले पार्ट में आपको दोस्तों यही देखने को मिलेगी स्केचिंग, पेंसिल वर्क की स्केचिंग है। बहुत अच्छा तो नहीं किया लेकिन मतलब जो भी चीज़ें कोशिश की हो, क्योंकि मैंने स्केचिंग बताया ना आपको कि मैंने स्केचिंग बहुत ही कम की, बहुत कम की स्केचिंग। तो जो भी चीज़ें हैं मैं इसमें आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। तब तक के लिए धन्यवाद।